तो हेलो क्लास, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि tan a plus b बराबर है root 3 के और tan a minus b बराबर है 1 upon root 3 के, तो हमें ये दे रखा है कि a plus b का मान 0 और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। और आगे बोल रखा है a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a का मान b से बड़ा होना चाहिए और a और b का मान पूछा है। ये तो कंडीशन है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, गिवन है और ये मान ज्ञात करना है, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। tan a प्लस बी बराबर है रूट थ्री के। ओके, तो रूट थ्री किसके बराबर होता है? tan में a प्लस बी बराबर रूट थ्री, tan में tan 60 का मान होता है tan 60 डिग्री। यहां से देखो tan बार है, यहां भी tan है, ये तो कौन है, ये भी कौन है, तो tan से tan कट जाता है, यहां आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लो समीकरण एक, ठीक है। आगे इसको लेते हैं tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट 3 है, ये दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1 अपॉन रूट 3। tan में किसका मान होता है? tan 30 का, तो लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan गया, मान आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। समीकरण एक प्लस समीकरण दो, दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा। ये क्या है, 2a बराबर 30 और 60 90, ये आ गया 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास a का मान क्या आ रहा है, 2a बराबर 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो a बराबर 90 अपॉन 2, a बराबर 45 डिग्री। a का मान तो आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब चाहे a का मान समीकरण दो में रखो, चाहे एक में रखो, b का मान आ जाएगा। तो समीकरण एक में मान रख दे, a का मान समीकरण एक में रखने पर क्या है, a का मान 45 है, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहां प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, तो b बराबर 60 माइनस 45 क्या आएगा, 15। a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। अब देखो क्या बोला है हमें, a प्लस b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 या 90 से छोटा होता है 60। ओके, अब ये देखो a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान 45 है, b का मान 15 ही है, तो ये बड़ा ही है ना, तो हमारी ये भी कंडीशन सही हो रही है और ये आंसर आ गया, a और b का मान निकाल दिया। ओके,